स्टार्ट अच्छा हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे, कुछ स्पेशल फंक्शंस के कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे कैसे कमेंट करें। देखना कंटिन्यूटी ऑफ सम फंक्शंस, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, जो हमेशा इंक्रीज कर रहा हो, ठीक, बॉक्स क्या देखते हैं हम लोग, वाई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक, या बॉक्स ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला बॉक्स फंक्शन, बॉक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बात कर रहे हैं। अगर जी एक्स इंक्रीजिंग होगा, ठीक, हमेशा बढ़ रहा होगा या हमेशा घट रहा होगा, जी एक्स अगर मोनोटोनिक होगा, ठीक है, तो जी एक्स का वैल्यू जब इंटीग्रल चेंजिंग लाएगा खुद में तो ब्रेक कर जाएगा। जी एक्स का वैल्यू इंटीग्रल चेंज करेगा, जी एक्स का वैल्यू 1 से 2 होने वाला होगा, तो 1 टू 2, 1 से पहले बॉक्स तो 1 हो जाएगा और 1 के बाद जैसे 2 पहुंच जाएगा बॉक्स 2 हो जाएगा। ठीक, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई टेंशन नहीं है, हर इंटीग्रल पॉइंट पे जी एक्स का वैल्यू जब जब इंटीजर होगा ना तब तक वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जी एक्स जब जब इंटीजर होगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिस्कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जब जी एक्स का वैल्यू 1 होगा वहां पर डिस्कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 1 से पहले 0 हो जाएगा, 1 के बाद 1 हो जाएगा। जब जी एक्स का वैल्यू 2 होगा तो डिस्कॉन्टिन्यूअस, गारंटी के साथ बोल सकते हैं ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो हर इंटीग्रल पॉइंट जो जी एक्स अटेन करेगा उस इंटीग्रल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स आएगा उस एक्स का फंक्शन डिस्कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, पक्का? तो लिख लो, इफ जी एक्स इज इंक्रीजिंग, इफ जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग या इज मोनोटोनिक कर लेना, इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक मतलब तो जो अपना बिहेवियर नहीं चेंज करे, ठीक, आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इफ जी एक्स इज मोनोटोनिक देन फंक्शन बॉक्स जी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स फॉर विच जी ऑफ एक्स इज एन इंटीजर। डाउट है इसमें? वो हर जब जब जी ऑफ एक्स इंटीजर, मानी ये 1 किया, ये 2, ये 3, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो 1 से पहले जब जी ऑफ एक्स का बॉक्स लेंगे, जल्दी चलो, 1 से पहले जी ऑफ एक्स का बॉक्स लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 0 ना, तो इस पॉइंट पर भी वैल्यू आएगा 0, क्योंकि जी एक्स का वैल्यू 0 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जी ऑफ एक्स का बॉक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से कम है, तो यहां से लेके यहां तक ग्राफ ऐसा कुछ होगा, यहां पे ओपन, इस पॉइंट पे जी एक्स का वैल्यू 1 हो चुका है, यहां ग्राफ मिलेगा ना, तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू 1 मूव करेगा, जी एक्स बॉक्स ऑफ जी एक्स का वैल्यू 1, यहां फिर ओपन, यहां 2, फिर यहां से लेके यहां तक 2 मूव करेगा, ये ओपन, ऐसा कुछ, तो बॉक्स ऑफ जी ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। किस पॉइंट में डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा, इस पॉइंट में जहां पे 1 हो गया, जहां पे 2 हो गया, जहां पे 3 हो गया, जहां पे 0 हो गया, तो उसके पीछे तो माइनस 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ ये वो एक्स ढूंढो जिस एक्स पे जी ऑफ एक्स अपना वैल्यू इंटीजर दे रहा, 1 चेक करेंगे पहले, 0 1 2 जो भी आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं, देखो इसको बना, तो जी एक्स अगर इंक्रीजिंग है तो उस केस में ग्राफ नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट जी एक्स अगर ऑलवेज मोनोटोनिक नहीं है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए आंसर नहीं आएगा। ग्राफ ढंग से ड्रॉ करो और फिर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी ढूंढो। ठीक, तो देखते हैं, बॉक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स,
y इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए टू दी पावर x पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना, ठीक है। वो ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देते हैं, फिर ऐसे ही निकाल देंगे। ई टू दी पावर x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ना, ये वैल्यू कितना है 1, इसका बॉक्स देना है ना, इस x जब नेगेटिव होगा तो 1 से छोटा, 1 से छोटा का बॉक्स कितना आएगा 0, 1 से छोटा का बॉक्स 0 0 0 0 0, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा बॉक्स कितना हो गया 1, नहीं पक्का, फिर कहने नहीं तो 2 होगा ना, ये 1 है ये 2 है, यहां से 3 होगा ऐसा कुछ, तो यहां से लेके यहां तक जी ऑफ एक्स का वैल्यू वैरी कर रहा है 1 से लेके 2 में ना, जी ऑफ एक्स का वैल्यू वैरी कर रहा है 1 से लेके 2 में, तो बॉक्स कितना आएगा 1, बॉक्स कितना आएगा 1, 1 को फॉलो करेगा, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा 2, फिर यहां से लेके यहां तक 2 फॉलो करेगा, नहीं जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा 3, ऐसे सॉल्व आगे बढ़ते रहेगा, क्लियर है। अच्छा ये पॉइंट होगा कितना, ये पॉइंट 0, नहीं ये वाला पॉइंट e टू दी पावर x का वैल्यू 1 कब होता है, e टू दी पावर x का वैल्यू 1 कब होगा, ln 1 में ना, ln 1 पे ये पॉइंट हो गया ln 1, ये पॉइंट हो गया ln 2, ln 3, ln 4, ln 5, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, बॉक्स ऑफ e टू दी पावर x इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ln k, that k belongs to integer, right? k belongs to natural number, one of them. K का मीन वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा ना, ये पॉइंट कितना होगा ln, कुछ गड़बड़ नहीं है, e to the power x का वैल्यू 1, ln 1 पे से ये पॉइंट हो गया ln 1, ये पॉइंट हो गया ln 2, ये पॉइंट हो गया ln 3, सही है। इंटीजिंग फंक्शन में बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी कर सकते हो, और यहां पर देते हैं देखो, बट ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक, क्योंकि ग्राफ का एरिया में भी यूज होता है, तो ट्राई करना कि हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके ही निकालें, बट ये बात ध्यान रखना कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से साइन इनवर्स एक्स, कुछ नहीं करना है, सोचना साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, इंक्रीजिंग है ना, साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है, वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक, क्लियर है। बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, माइनस 1, माइनस 1, 0, 1, ये तीन इंटीजर आएगा ना, जब साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो डिसकॉन्टिन्यूअस, और तो कोई इंटीजर नहीं आएगा ना। अच्छा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस साइन 1, इस एक्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू साइन 1, इस तीनों एक्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस साइन 1 कोमा 0 कोमा साइन 1, इस तीनों पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस हम लोग देखे कि ये कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक, उसका रेंज से समझ में आ जाएगा ना, साइन इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, तीन इंटीजर आएगा, माइनस 1 0 1, फंक्शन इंक्रीजिंग है, कुछ नहीं सोचना, उस तीनों पॉइंट पे गारंटी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स निकाल लिए, ठीक है। ग्राफ देखने पर ये रहा ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का, नहीं सोच, ये 0, ये पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, बीच में कहीं 1 आएगा, सॉरी ये 1, ये माइनस 1, ऊपर पाई बाय 2, नीचे माइनस पाई बाय 2, सही है, बीच में कहीं पे बनाएगा ना माइनस 1, माइनस 1 यहां कहीं होगा, प्लस 1 यहां पे कहीं होगा, क्लियर है। इस x, इस y के कॉरेस्पॉन्डिंग, इस y के कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कितना आएगा, साइन 1, इस y के कॉरेस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस साइन 1, ठीक है। अब सोचो जब x का वैल्यू 0 टू साइन 1 लेंगे तो साइन इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां तक कैरी करेगा, साइन इनवर्स x का वैल्यू
जीरो टू वन वैरी करेगा ना, उसका बॉक्स कितना हो जाएगा जीरो। तो इस इंटरवल में ग्राफ जीरो लाइन को फॉलो करेगा, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा वन नहीं, और यहां से लेके यहां तक जब एक्स का वैल्यू लोगे तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू वन से लेके पाई बाई टू तक, बॉक्स लेने पे वन ही आएगा ना, बॉक्स लेने पे यहां से लेके यहां तक वन, ठीक है। सिमिलरली पीछे कितना हो जाएगा माइनस वन, तो यहां से लेके यहां तक माइनस वन, आगे क्या हो जाएगा माइनस टू, माइनस वन से नीचे ला गया ना, माइनस वन से नीचे का बॉक्स लेंगे तो माइनस टू, और माइनस टू पर पाई बाई टू से नीचे आएगा, ठीक, पाई बाई टू से नीचे नहीं आएगा माइनस टू, माइनस टू है। Y equals to box of tan inverse x. Y equals to box of tan inverse x. ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार प्लस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू, यह है tan का ग्राफ, सही है ना, ये जीरो, फर्स्ट टाइम वन, वन ये पाई बाई टू है ना, वन कब होगा tan वन पे, वन कब होगा tan वन पे, माइनस वन कब होगा माइनस टेन वन पे, डाउट है अंदर पक्का, अगर बाई चांस कभी नहीं समझ में आएगा तो लिख दो ना, tan इनवर्स, tan इनवर्स x इक्वल्स टू वन, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan वन, राइट। हम इसे ये इंटीजर हो वहां चेक करो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x निकालो, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक। तो tan इनवर्स x का वैल्यू वन, tan वन पे वन, तो जीरो से लेकर tan वन जब x लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो tan इनवर्स x का वैल्यू आएगा वो जीरो टू वन वैरी करेगा ना, बॉक्स लेने पे क्या हो जाएगा जीरो, जीरो का बॉक्स जीरो, जीरो से वन यहां तक का बॉक्स जीरो, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचोगे बॉक्स का वैल्यू आएगा वन, आगे जब आगे बढ़ेंगे तो बॉक्स का वैल्यू, सॉरी टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू वन से ऊपर फाइव बाई टू से नीचे, बॉक्स लेने पे हमेशा वन लाइन रह जाएगा ना, तो वन लाइन चलते जाएगा इंफिनिटी तक। सिमिलरली पीछे आओगे तो माइनस वन, यहां से लेके यहां तक माइनस वन, सही है ना, और पीछे आओगे x तो माइनस वन से नीचे चला गया ना माइनस टू, तो यहां कहीं माइनस टू होगा, उसी को फॉलो करेगा, सही है। तो ये जो लाइन लाइन दिख रहा है वो tan इनवर्स बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ है। अगर सिर्फ डिस्कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट पूछा होता तो tan इनवर्स x का रेंज कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तीन ही वैल्यू अटेंड कर सकता है। tan इनवर्स x का वैल्यू माइनस वन होगा उस पॉइंट पे डिस्कॉन्टिन्यूअस, tan इनवर्स x का वैल्यू जीरो हो जाए उस पॉइंट पे डिस्कॉन्टिन्यूअस, और tan इनवर्स x का वैल्यू वन हो जाए उस पॉइंट पे डिस्कॉन्टिन्यूअस। x का वैल्यू क्या जाएगा माइनस tan वन, x का वैल्यू जीरो और x का वैल्यू प्लस tan वन, तो बॉक्स ऑफ tan इनवर्स x इज डिस्कॉन्टिन्यूअस एट माइनस tan वन कोमा जीरो कोमा प्लस tan वन, ठीक है, ये सारा इंक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक। अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा तो क्या करेंगे, फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा तो कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ग्राफ को ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, ठीक। तो ग्राफ में दिखता है ना, तो इफ फंक्शन आर, इफ बॉक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉन मोनोटोनिक, इज नॉन मोनोटोनिक मोनोटोनिक, देन ड्रॉ द ग्राफ, draw the graph and check continuity and discontinuity. Continuity or discontinuity. साइन एक्स का बॉक्स चेक करना है, ठीक, बॉक्स ऑफ साइन एक्स, वाई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स का कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी पे कमेंट करना है,
इंक्रीजिंग तो नहीं है ना, तो डायरेक्टली कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते बिना ग्राफ ड्रॉ किए। तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स अगर आप एक मिनट में ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, नहीं एक पीरियड में जो आएगा उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे तो सारे पीरियड्स में मिल जाएगा ना। एक पीरियड में इसका ढंग से ऑब्जर्वेशन करो, ये रहा साइन का ग्राफ 2π का, ठीक है साइन का ग्राफ 2π का। इसका बॉक्स लेना है, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू -1 है, ठीक इसका बॉक्स लेना है। 0 का बॉक्स 0, 0 से 1 जब भी 0 से 1 1 से छोटा होगा तो बॉक्स तो 0 हो जाएगा ना। तो पाई बाई 2 तक, 0 टू पाई बाई 2 में साइन का बॉक्स लेने पे कितना आएगा 0 पक्का, क्योंकि वैल्यू 0 से लेके 1 तक ऐड कर रहा है और 0 टू 1 का बॉक्स 0 होगा, यहां पे ग्राफ 0। जैसे पाई बाई 2 पे पहुंचा, जैसे x का वैल्यू पाई बाई 2 पे पहुंचा, साइन वैल्यू क्या देगा 1, बॉक्स कितना हो जाएगा उस पॉइंट पे 1, सिर्फ इस पॉइंट पे कितना होगा बॉक्स का वैल्यू 1। फिर आगे निकलोगे फिर वहां से छोटा, फिर पाई बाई 2 से आगे निकलोगे फिर वहां से छोटा, फिर बॉक्स 0, फिर आगे बॉक्स 0, पाई पे भी बॉक्स 0 मिलेगा ना क्योंकि उस पॉइंट पे 0 होता है। फिर आगे बढ़ोगे नेगेटिव हो गया बॉक्स -1, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पूरा में बॉक्स -1 रहेगा ना। देख -1 से नीचे कभी गया ही नहीं, -1 से नीचे कभी नहीं गया, तो बॉक्स इस पूरे इंटरवल में इस पॉइंट को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के बीच के पूरे इंटरवल में बॉक्स कितना आएगा -1, फिर इस पॉइंट पे बॉक्स 0 क्योंकि 2π में कितना होता है 0। क्लियर है, चेक कर ले कि कौन कौन सा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया। एक्स इक्वल्स टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है ना, 0 पे कॉन्टिन्यूस है हाँ या नहीं, 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्या, नहीं सोच ले, नहीं पीछे -1 हो जाएगा ना, पीछे -1 हो जाएगा ना का? अच्छा 0 और 2π सेम टाइप का पॉइंट है, अगर 0 अगर एक पीरियड में देख रहे हैं ना, 0 और 2π को एक साथ इंक्लूड नहीं करना, ठीक, क्योंकि अगर तुम 2π को इंक्लूड कर दे 0 पीछे वाला पीरियड में इंक्लूड हो जाएगा ना। सोचो इमेजिन कर एक बार कि जैसा पॉइंट 0 है वैसा ही पॉइंट तो 2π होता है ना पक्का। अगर तुम 0 टू 2π इंक्लूड दोनों को इंक्लूड कर दिया तो नेक्स्ट इंटरवल में 2π को एक्सक्लूड करना होगा ना, ठीक है, एक अंक एक को इंक्लूड करते एक को छोड़ देते, नेक्स्ट इंटरवल के लिए या तो क्लोज 0 से ओपन 2π चेक कर ले या ओपन 0 से क्लोज 2π चेक कर ले, क्योंकि 0 और 2π सेम टाइप का पॉइंट होगा, फिर दो बार काउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो दो बार काउंट हो जाएगा, ठीक। तो आप ये भी लिख सकते हो, 0 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लिख भी सकते हो नहीं भी, दो दो बार काउंट होगा, है तो एक ही चीज ना। तो 2n π लिखना समझ में आ जाएगा, 2n π प्लस 0 लिखोगे नहीं, दूसरा पॉइंट 2n π प्लस पाई बाई 2 लिखोगे नहीं, थर्ड पॉइंट 2n π प्लस पाई लिखोगे, फोर्थ पॉइंट 2n π प्लस 2π लिखोगे। अब बताइए ये दोनों पॉइंट सेम है या नहीं है, ये दोनों पॉइंट सेम है ना, n इक्वल्स टू 0 पे ये भी 0 हो जाएगा और n इक्वल्स टू -1 पे ये भी 0 हो जाएगा, तो कभी ना कभी दोनों काउंट हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक। इस सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है क्या, हर इंटीग्रल वाले पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, नहीं ना, पाई बाई 2 पे 3π/2 पे साइन इंटीजर आ रहा है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ठीक। जो इंक्रीजिंग फंक्शन का लिखवाए थे कि हर इंटीग्रल पॉइंट पे जब जब फंक्शन इंटीजर देगा उस सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यहां तो नहीं हो रहा है ना। कभी भी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन को बिना ग्राफ ड्रॉ किए नहीं कमेंट करोगे, ठीक। बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वाई इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, ठीक है, दोनों क्लोज किए हुए हैं, आपको दोनों को देखना होगा, ठीक है, तो देखते हैं, इसको सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि इसका साइन कॉस में दोनों में रहेगा तो ग्राफ ड्रॉ करने की प्रॉब्लम है, इसको सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, रूट टू टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर लिख ले, सही है ना, सही है ना, लिख सकते हैं ना, सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लिए, सिंगल कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पक्का ग्राफ ड्रॉ कर ले, साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे पाई बाई फोर पीछे शिफ्ट करके, प्लस पाई बाई फोर लेफ्ट शिफ्टिंग होगा ना, तो साइन का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे पाई बाई फोर पीछे शिफ्ट करके, ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसा कुछ, ये वाला पॉइंट जीरो है, ठीक, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर पीछे शिफ्ट कर चुके हैं, तो पहले पाई बाय टू होता था, अब होगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, मीन्स पाई बाय फोर, सही है, ये पॉइंट क्या होगा, पाई माइनस पाई बाय फोर थ्री पाई बाय फोर, सही है, ये वाला पॉइंट थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर फाइव पाई बाय फोर ना, फाइव पाई बाय फोर, ये पॉइंट कौन सा होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, इतना 7 पाई फोर, 2 पाई तक नहीं पहुंचे, 2 पाई तक पहुंचना होगा, ठीक, ये पॉइंट हमें 2 पाई, हम लोग को 0 टू 2 पाई का ऑब्जर्व करना है, ये खराब आ जाता है ना, ठीक है, ऐसे भी कुछ सोच सुन पाइए वो इस टाइम पे सब लोग, बराबर है, देख 0 टू पाई बाई फोर का बॉक्स 0 आएगा ना, जीरो टू पाई ग्राफ ड्रॉ करके बॉक्स चेक करते हैं, तो जीरो टू पाई फोर बॉक्स जीरो हो जाएगा ना, पक्का सोच ले, पहले के रूट टू है यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू वन होगा, और ये वैल्यू कितना होगा, रूट टू, ये वैल्यू कितना है, माइनस रूट टू, और ये वैल्यू कितना है, वन, वैल्यू वन, तो बॉक्स दे दे इसका, वन जीरो टू पाई बाई फोर में वन से रूट टू, उसका बॉक्स कितना होगा, वन, इस पॉइंट का भी वन, ये पूरा वन, रूट टू का बॉक्स भी वन, नीचे आ रहा है यहां से वन वन वन, यहां तक का बॉक्स वन ना, अब आगे बढ़ोगे तो बॉक्स जीरो, इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे तो बॉक्स जीरो, तो यहां से आगे का बॉक्स जीरो, इसका भी बॉक्स जीरो, सही है, फिर इस इंटरवल में जो बीच में कहीं माइनस वन आएगा ना, ये माइनस रूट टू है, यहां से लेके यहां तक का बॉक्स माइनस वन, सही देखते नहीं पढ़ी, फिर यहां से लेके यहां तक का बॉक्स माइनस टू, माइनस टू, ये भी ओपन, ये भी ओपन, फिर माइनस वन, फिर यहां से लेके यहां तक माइनस वन, नहीं, फिर यहां पे जीरो, और फिर यहां तक जीरो, और यहां पे वन, चेक करते हैं, बट इसका वैल्यू ऑब्जर्व कर, वैल्यू कहां से कहां तक, उसके अकॉर्डिंग बॉक्स देते जाओ, ठीक है, जब इंटीजर चेंज करे, यहां से स्टार्ट किए वन का, वन का बॉक्स वन, फिर आगे बढ़ रहे एक्स में वाई को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, एक्स में आगे बढ़ रहे वाई को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इंटीजर वन से ऊपर बॉक्स वन, रूट टू तक ही क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो हमेशा बॉक्स वन ही आएगा ना, इस पूरे इंटरवल का बॉक्स कितना आएगा, वन, ठीक, इसके बाद इस पॉइंट के बाद वन से नीचे आ गया, बॉक्स कितना हो जाएगा, जीरो, तो यहां से लेके यहां तक का बॉक्स जीरो, इस पॉइंट के बाद नीचे चला गया जीरो से नीचे, बॉक्स माइनस वन, कहां तक माइनस वन, जब तक माइनस वन ना हो जाए वैल्यू, नहीं, फिर इस पॉइंट के बाद माइनस वन से नीचे चला गया माइनस रूट टू तक, उस पूरे इंटरवल में बॉक्स कितना आएगा, माइनस टू, फिर बॉक्स माइनस वन, फिर बॉक्स जीरो, फिर यहां पे वन, क्लियर है, पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी बताओ, किस किस पॉइंट पे डिस्कॉन्टिन्यूस है, अच्छा जीरो पे भी देखना है, टू पाई पे भी देखना है, ठीक, जीरो पे डिस्कॉन्टिन्यूस है क्या, जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस है क्या, पीछे ग्राफ नहीं सोचेंगे, ठीक, जिस इंटरवल में दिया है उसी इंटरवल में सोचेंगे, डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे है, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस एज्यूम किया जाएगा, ठीक, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो डिसकॉन्टिन्यूस वाला पहला पॉइंट है ये वाला, और ये होगा कितना, कितना होगा, टू पाई फोर पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, ठीक, थ्री पाई बाई फोर साइन जो है वो मेरे रूट हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला पॉइंट कितना होगा, फोर पाई फोर पाई हो जाएगा, ये फाइव पाई फोर, ये सिक्स पाई फोर हो जाएगा, ये सेवन पाई फोर, ये एट पाई फोर हो जाएगा, तो
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा आएगा? पाई बाय टू, नेक्स्ट वन, थ्री पाई बाय फोर, नेक्स्ट पाई, नेक्स्ट सिक्स पाई बाय फोर मीन्स थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, उसके बाद टू पाई, सॉरी सेवन पाई बाय फोर, नेक्स्ट टू पाई, इस सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x minus whole 2 whole cube, x minus 2 whole cube divided by a box के अंदर, ठीक है, sin x minus 2 plus a cos x minus 2, sin x minus 2 plus a times cos of x minus 2, is continuous in 4 to 6, let find value of a, is continuous continuous in closed interval 4 to 6, then find a, find a, ठीक है, ये फंक्शन 4 to 6 में कॉन्टिन्यूअस है तो a का वैल्यू बताओ, ठीक, ये फंक्शन 4 to 6 में कॉन्टिन्यूअस है तो a का वैल्यू बताओ, cos को देखना ही नहीं है, नहीं cos तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, sin तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, बस इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना ना, कैसा कुछ करेगी ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए हमेशा, सही बोल रहे हैं, साइन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, कॉस हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है कि ये वाला बॉक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बॉक्स के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिक है ना, क्यूबिक फंक्शन मोनोटोनिक है और इंक्रीजिंग होगा इस केस में, क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं पक्का, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब का ग्राफ कैसा होगा, टू से पास होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा ना, ऐसा कुछ ग्राफ होगा ना, सही है ना, तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है, इंटीजर चेंज नहीं करना चाहिए, एक्स का वैल्यू लिया गया 4 टू 6, तो एक्स माइनस 2 का वैल्यू 2 टू 4, सही है ना, एक्स माइनस 2 का वैल्यू 2 टू 4, क्यूब करेंगे तो 8 टू 64, पक्का, एक्स माइनस टू के होल क्यूब का वैल्यू 8 टू 64 आ रहा है, जिसमें बहुत सारे इंटीजर आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय ए है, ए का कुछ ऐसा वैल्यू लो कि वो इंटीजर चेंज नहीं करे, सोचो बता दो, ए का कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं, एक्स माइनस टू का वैल्यू मेरा आ गया कितना आया 8 टू 64 क्लोज इंटरवल, ऐसा कुछ आया ना, डिवाइडेड बाय ए करना, ठीक, ऐसा कुछ वैल्यू लो कि इंटीजर कभी बदले ही नहीं, 64 से ज्यादा, 64 से ज्यादा लेंगे तो कभी इंटीजर आएगा क्या, कभी इंटीजर चेंज करेगा क्या, नहीं ना, नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव है नहीं, ठीक, इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, 8 से लेकर 64, अगर हम लोग ए का वैल्यू 64 से ज्यादा ले लिए तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा ना, तो बॉक्स हमेशा 0 ही हो जाएगा, पक्का, 64 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, कम लेने में प्रॉब्लम है ना, 64 से कम लोगे इंटीजर आएगा बीच में 1, जहां पे वो ब्रेक कर जाएगा, अगर a का वैल्यू 64 से कम लोगे तो बीच में एक इंटीजर आएगा 1, और उस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक कर जाएगा जब ये 1 हो जाएगा, तो a का कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं कि इंटीजर कभी चेंज ही नहीं हो पाए पूरे x के लिए, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या लगना रहेगा 64 से ज्यादा, अच्छा 64 चलेगा क्या, a का वैल्यू 64 चलेगा क्या, 64 चलेगा, सोच ले, नहीं ना,
64 नहीं चलेगा, ठीक। 64 क्यों नहीं चलेगा? अच्छा हम लोग को देखना क्या कंटिन्यूस इन 4 to 6 64 लेंगे तो एक्जैक्टली 6 पे ही तो डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा ना। 64 अगर लेंगे हम लोग ए का वैल्यू तो 6 पे ये 64 बनेगा ना। 64 1 आ जाएगा इंटीजर, उससे पहले 0 होगा वहां पे 1 होगा डिस्कंटिन्यूस। उससे पहले जब हम लोग ए का वैल्यू 64 लेंगे तो जब x का वैल्यू 6 होगा देन 1 होगा, उससे पहले तो 0 हो जाएगा ना। 0 टू 1 चेंज कर दिया तो डिस्कंटिन्यूस हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा ग्रेटर देन 64। जो थ्योरी बॉक्स के लिए है वही थ्योरी फ्रैक्शन पार्ट के लिए भी है, ठीक। क्योंकि उसमें भी इंटीग्रल पॉइंट पे ही चेंज करता है ना, उसमें भी तो इंटीग्रल पॉइंट पे ही ब्रेक करता है। तो जैसा थ्योरी बॉक्स के लिए होता है वही थ्योरी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के लिए भी होता है, ठीक। उसमें भी मोनोटोनिक रहेगा तो ऐसे ही सोच सकते हो, नॉन मोनोटोनिक रहेगा तो ग्राफ ड्रॉ करके ही सोचना है। देखते हैं क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, नीचे है 2 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू 0 to 1 0, एक्स 1 and 1 to 2 को इंक्लूड किया गया और 2 को इंक्लूड किया। ये क्वेश्चन है, ठीक। इसके कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी पे कमेंट करना है, ध्यान से देखो। एक्स का वैल्यू 0 to 1 पे ये फंक्शन काम कर रहा है और एक्स का वैल्यू 1 से 2 में ये फंक्शन काम कर रहा है। 0 to 1 है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं किया ना, तो 0 to 1 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को एक्स लिख सकते हैं क्या? 0 to 1 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को x लिख सकते हैं ना, कौन सा लाइन होता है y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो 0 to 1 में फंक्शन क्या लिखा हुआ है, सिंपली x स्क्वायर प्लस 1। जब x का वैल्यू 0 to 1 लोगे पक्का, अच्छा 0 to 1 में ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। 0 to 1 में ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा ना, आया नहीं होगा, ठीक। चलो 1 का भी चेक नहीं करें, उनमें बाद में चेक करेंगे। 1 पे फंक्शन चेंज कर रहा है, 1 से पहले ये फंक्शन काम कर रहा है, 1 के बाद ये फंक्शन काम कर रहा है, 1 पे बाद में चेक करेंगे। पहले ये इंटरवल में चेक कर लेते हैं 1 से 2 पे। अच्छा 1 पे चेक कर ही लो, तो 1 माइनस में कौन सा वैल्यू मिला देखो, तो 1 माइनस में कितना वैल्यू मिलेगा, 1 माइनस में कितना वैल्यू मिलेगा 2। 1 माइनस में ये फंक्शन काम करेगा और जस्ट 1 माइनस पुट करोगे तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू 1 आता है ना, 1 plus 1 2, 1 माइनस में 2 1 प्लस में ये फंक्शन काम करेगा। 1 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, 0। देख 1 प्लस 1 से हल्का सा आ गया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना है 0, ये 0 ये कितना है 2, LHLB 2 RHLB 2 एट x इक्वल्स टू 1। उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं, ये फंक्शन काम करेगा ना। 1 पे इसका वैल्यू कितना होगा 0, वो भी 2 आ गया ना। 1 पे कॉन्टिन्यूस का वैल्यू कितना आ रहा है 2, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, वैल्यू कितना आ रहा है 2। चलो 1 से 2 में चेक करते हैं, 1 से लेके x का वैल्यू कॉन्टिन्यूस में इंक्लूड कर सकते हो, इसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस 1 प्लस x का वैल्यू 2, 2 को छोड़ रहे हैं बेटे, कोई इंटीजर है। 1 से 2 में तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा ना, ये कहां ब्रेक करता है इंटीजर पे। 1 पे तो ब्रेक किया नहीं, चेक कर चुके हम लोग, 2 अभी चेक कर नहीं रहे तो बीच में तो ब्रेक नहीं करेगा ना। ये ऐसा भी सोच सकते हो सर 1 से 2 में तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स, तो 1 से 2 में फंक्शन क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स। एग्जैक्टली 2 पे क्या होगा सोचो तो, एग्जैक्टली 2 पे ये 0 वैल्यू आएगा 2। 2 माइनस का वैल्यू चेक कर, 2 माइनस का वैल्यू चेक कर, x का वैल्यू 2 माइनस लेंगे तो यह जाए तुम्हारा 1 प्लस एक्स ना 3, कितना है ना 1 प्लस एक्स 2।
टू माइनस पहले कितना गया थ्री, डिसकॉन्टिन्यूअस टू पे हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस, एक ही पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है एक्स इक्वल्स टू में कैसे आएगा कि सर किस किस पॉइंट पे चेक करना, ये कैसे सोचेंगे कि सर किस किस पॉइंट पे चेक करना। पहला तो जहां फंक्शन चेंज हो रहा हो, ठीक, वन पे फंक्शन चेंज हो रहा है वहां पे तुमको चेक करना होगा। दूसरा, इस फंक्शन में जीरो टू वन में बात करें तो क्या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है ना, ये इंटीजर पे बेक करता है, नहीं इंटीजर पे बेक करता है। जीरो टू वन में कोई बीच में इंटीजर फंस रहा है क्या? नहीं फंस रहा है ना, तो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, सही बोल रहे हैं। जीरो पे, अच्छा जीरो टू वन में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का प्रॉपर्टी देख, पीछे वाले इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस होता है, आगे वाले इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है हमेशा, आगे वाले इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। जीरो पे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं बोलोगे, ठीक है। जीरो से पीछे ग्राफ देखना ही नहीं है, फंक्शन देखना ही नहीं है। जीरो पे कौन सा कॉन्टिन्यूटी चेक करना होगा? राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी सिर्फ चेक करना होगा, ठीक। जीरो पे चेक करने के राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस दिखा। वन पे चेक करेंगे क्योंकि वन से पहले कोई और फंक्शन है, वन के बाद कोई और फंक्शन है, फिर इसके बीच में कोई इंटीजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। टू, फिर टू पे चेक करेंगे कौन सा कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, एलएचएल और फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट आया एक्स इक्वल्स टू टू जिस पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन चेंज कर रहा है, वन से पहले कोई और फंक्शन काम कर रहा था, वन के बाद कोई और फंक्शन काम कर रहा, वहां पे चेक करना होगा। फिर बीच में कोई इंटीजर नहीं है, सीधा टू एक इंटीजर है ना, टू पे आपको चेक करना होगा। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सिंगल फंक्शन, ना